फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज की वीडियो इसलिए क्लिक की है कि आप लोग पेपर की अटेम्प्टेशन देखना चाहते हैं कि आप लोग पेपर को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक जगह क्लिक किया है। आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये चीज़ पता चलेगी कि आप लोग किस तरह पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप पेपर को अटेम्प्ट किस तरह कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं, कि आप लोगों का जो पेपर है वो बोर्ड में किस तरह का नज़र आएगा जब आप वो एग्जामिनर या चेकर के पास जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैजान तनवीर, आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों को जैसे पहले बता दी है, लेकिन इसमें आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपका जो कोई भी इस वीडियो का जो पार्ट है वो स्किप ना हो जाए और आप लोगों का जो लॉस है वो ना हो सके। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट नंबर वन है वो ये है कि आप लोगों ने जब पेपर को प्रेजेंट करना है तो आप लोगों ने सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाने, क्योंकि मार्जिन लाइन बहुत ज़्यादा बेसिक जो एक एस्पेक्ट होता है पेपर प्रेजेंटेशन का। बोर्ड के पेपर में कुछ सालों में इस तरह हुआ था कि जो बोर्ड के पेपर की जो शीट थी उस पर मार्जिन लाइन पहले से लगी हुई थी, और लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम में इस तरह भी हो गया कि आप लोगों को खुद लगानी पड़ती है। जब मैंने पेपर दिए थे तब तो मुझे खुद लगानी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम मार्जिन लाइन नहीं लगी होती थी। तो जो मार्जिन लाइन है उसको आप लोग किस तरह लगा सकते हैं वो आप लोगों को बाकी तमाम मेरी जो, अगर आप लोग पहले से इस चैनल के साथ कनेक्टेड हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं मार्जिन लाइन डबल लगाता होता हूँ। आप लोगों ने भी क्या करना, डबल मार्जिन लाइन लगानी। अगर आप लोग सिंगल मार्जिन लाइन लगाएंगे तो उस वो भी ठीक होगी, लेकिन उससे जो पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोग डबल मार्जिन लाइन लगाएं। तो अगर आप लोग, इसके दो तीन तरीके हैं डबल मार्जिन लाइन लगाने के, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप लोग एक सेपरेट मार्कर रख लें 605, उसका निप को आप कट कर लें। मैंने वैसे भी अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में उसको कट करने के बारे में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोज़ भी जाके चेक कर सकते हैं, वो मैं आई बटन में ज़रूर यहाँ पे कहीं दे दूँगा। इसके बाद आप लोगों ने ये उसको कट करके फिर आप लोगों ने वहाँ पे मार्जिन लाइन लगानी है, तो इससे जो मार्जिन लाइन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपका जो पूरा पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, मैंने एक जो पॉइंट नंबर टू है वो मैं इसी के मार्जिन लाइन के बारे में ही बताऊँगा, थोड़ी सी जो गलती है उसको सर इम्प्रूव करने की आपको कोशिश करूँगा, कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा तंग मार्जिन लाइन लगा देते हैं, मतलब कि कुछ सेंटीमीटर्स पेज के साइड पर लगा देते हैं, या कभी कभार होता है कि वो बहुत ज़्यादा मार्जिन लाइन लगा देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, आपने दरमियानी मार्जिन लाइन लगानी है, मतलब कि पेज के जो एंड है उसके साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपका वो डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम आपका 1.5 इंच होना चाहिए, मतलब आधा इंच आपका ज़रूर होना चाहिए, 0.5 सॉरी, आपका आधा इंच ज़रूर होना चाहिए वो मार्जिन लाइन। उस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को जब आप बार बार लाइंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को हो जाएगा, कि जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन लाइन है या कम मार्जिन लाइन है, तो आप लोग उस चीज़ को खुद इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन में ब्लू मार्कर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने ब्लू मार्कर के अलावा किसी और मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। आप ब्लैक इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है आप लोगों को ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करने की या ब्लैक इंक इस्तेमाल करने की, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ से गुरेज करना है, परहेज़ करना है उस चीज़ों से। आप लोगों ने ब्लू मार्कर यूज़ करने हैं। आपको ब्लू मार्कर्स भी मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पेपर में कौन कौन से जो मार्कर्स उनकी ज़रूरत होगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ी देर तक। तो इसके आप लोगों ने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है, वो मार्कर जो है वो है 604 कट मार्कर उर्दू, 605 उर्दू कट मार्कर, और एक बुलेट निप का जो डॉलर का मार्कर होता है आप लोगों ने वो, ये चीज़ें आप, ये तो तीन मार्कर ही आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। आप उर्दू और इंग्लिश दोनों के पेपर में इन तीनों का इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंटेशन में एक कंट्रास्ट ला सकते हैं, एक अच्छा सा लुक ला सकते हैं, तो जो कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अपील होगा और वो मे भी आपको उस चीज़ पे अच्छे नंबर भी दे दे। तो और एक आप लोगों ने क्या करना है, भी आप लोगों ने वीडियो को वो उसके जो उसको शॉर्ट करना है, और साथ आप लोगों ने वीडियो को जरूर नीचे जाके लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड में भी शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना है। फ्रेंड, इसके बाद जो पेपर प्रेजेंटेशन में की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए। आप क्योंकि जो एग्जामिनर चेकर है वो ये नहीं चाहता कि आपका जो पहला पेज है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्यारा अच्छा लगे, उसको पूरा पेपर इस तरह का चाहिए होता है कि आपका जो पूरा पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और अपीलिंग लगे।
तो आप लोगों ने उस चीज़ के लिए आप लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ये चीज़ गलती कर देते हैं कि वो लोग सिर्फ पहले पेपर पे फोकस करते हैं, जो पहला पेज होता है उस शीट का उसी को संवारते रहते हैं, उस चीज़ को डेकोरेट करते रहते हैं, जो बाकी होता है उसको उनके पास क्योंकि टाइम नहीं बचता, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों में रह जाते हैं, तो उन चीज़ों उन वो गल उन वजह से वो मार खा जाते हैं। उनका जो पहला दो तीन पेज होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जो आखिरी वाले पेज होते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा गंदे लगे रहते हैं, तो जो एग्जामिनर है वो इस चीज़ से तंग आ जाता है और वो इस बात पर नंबर ज़रूर काट लेता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो अपनी आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है आपने उसी से स्टार्ट लेना है और उसी पे एंड करना है, ताकि आपके जो पेपर प्रेजेंटेशन है, जो आपकी राइटिंग है या जो आपका मतलब प्रेशर है पेन का पेपर पे, वो इक्वल रहे पूरे पेपर के दौरान। तो इससे उसको भी पता होगा कि हाँ, इस बच्चे की जो स्पीड थी वो भी अच्छी थी और उसने पेपर को प्रेजेंट भी अच्छी तरह किया है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो तो आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं आप लोगों की, क्योंकि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, जो हैंडराइटिंग की नीटनेस है वो मैटर करती है कि आपके आपने जो पेपर किया है उसकी जो नीटनेस है वो क्या है। तो नीटनेस आप लोगों ने रखनी है पेपर में आपकी हैंडराइटिंग, बेशक जिस तरह की भी आप, क्योंकि हर बच्चे की जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की बुरी भी होती है, तो लेकिन उनको उन लोगों ने घबराना नहीं है, उन लोगों ने क्या करना है, बस अपनी राइटिंग में नीटनेस लानी है, वो नीटनेस वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ला सके, क्योंकि हमें बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता चल गया होगा, जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, उनका आंसर मैं साथ साथ देता जा रहा हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आप लोगों ने करते रहना है सारा साल। अब क्योंकि अभी बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं, लेकिन जब बोर्ड के पेपर्स होकर अब अगली क्लासेस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों ने सारा साल इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, फिर आप अगले बोर्ड के पेपर में वो चीज़ कर पाएंगे। तो ये थी, इससे जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि आप लोगों ने जो हेडिंग्स होंगे उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आप लोगों ने हेडिंग्स को जो मेन हेडिंग्स है ना उनको आप लोगों ने सेंटर में लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको मालूम हो जाए कि ये अब मेन हेडिंग्स शुरू हो गई है, और उसको आपने 605 मार्कर से लिखना है, 605 मार्कर, इस मार्कर से आप लोगों ने उसकी जो मेन हेडिंग है आप लोगों ने वो लिखनी है। इसके बाद जब आप उसको अंडरलाइन भी आप लोगों ने अच्छी तरह करना है, ताकि वो चीज़ एक प्रोमिनेंट हो जाए आपकी जो हेडिंग है, मेन वाली हेडिंग जो क्वेश्चन की होती है। उसके बाद आप लोगों ने जो सब हेडिंग्स हैं उनमें आपके पास चॉइसेस हैं, मैं आपकी अपनी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, लेकिन ये मेरा अपना यूज़ है कि मैं उसको ज़्यादातर अपने जो डॉलर का बुलेट निब मार्कर होता है उससे मैं करता होता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं 604 को 604 को भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग 604 या जो डॉलर का बुलेट निब मार्कर है आप उसको इस्तेमाल करके भी अपनी जो है सब हेडिंग्स है उनको लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने 604 और 605 मार्कर का अब आप लोगों को यूज़ भी तो आना चाहिए, यूज़ के लिए आप लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं, और इसके अलावा मेरे चैनल पे भी वीडियोस है आप उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइम पे कौन सा मार्कर ज़्यादा बेहतर रहेगा, किस टाइम कौन सा मार्कर आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद जो अब अगली हेडिंग है वो ये है कि आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, आप लोगों के जो एग्ज़ाम में जो काम होता है वो हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा होता है, खास तौर पे जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आप लोगों को हेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनको अच्छी अपीलिंग बनाने के लिए आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, आप लोगों ने किसी चीज़ का ज़्यादा इजाफा नहीं करना और किसी चीज़ का भी आप लोगों ने कमी नहीं करनी, आप लोगों ने फिजूल हेडिंग नहीं देनी, आप लोगों ने जो बनती हुई हेडिंग्स है जो एक लीगल हेडिंग्स है आप लोगों ने वो देनी है पेपर में, ताकि आपका जो पेपर है वो और ज़्यादा इन्हांसिंग लगे, बजाय इसके कि आप खुद इमेजिन कर लें कि एक पेपर बिल्कुल साफ सुथरे से मुराद है कि बिल्कुल कोई मार्कर का इस्तेमाल नहीं हुआ, वह सिंपल आप प्लेन पेपर आप लोगों ने लिख के दे दिया है वो अच्छा लगेगा, या फिर दूसरी साइड पर वो जहाँ पर जगह जगह मार्कर्स का इस्तेमाल हुआ है, पॉइंट्स हाईलाइट हुए हुए हैं, हेडिंग्स वगैरह बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको कि आप अगर खुद जज बने तो आप किसको ज़्यादा अच्छे नंबर देंगे, तो वही बात है, जाहिर बात है आप उस चीज़ उस पेपर को देंगे जो दिखने में अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों का भी यही हाल होगा, आप लोगों ने भी चेकर की नज़र में यही चीज़ है, चेकर जज है, तो उसने आपका जो ज़्यादा अच्छा पेपर दिखने में उसको लगेगा वो उसको ज़्यादा उसकी साइड लेगा और उसको ज़्यादा अच्छे नंबर देगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं अब इंस्टाग्राम पर भी आ चुका हूँ, मैंने अपने चैनल का जो एक क्लोन है वो मैंने इंस्टाग्राम पर बना लिया है, आप लोगों ने ज़रूर वहाँ जाके फॉलो करना है साथ, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेपर्स की अपडेट्स भी देता रहता हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताता रहता हूँ, तो आप लोगों ने वहाँ जाके मुझे ज्वाइन करके आप लोग मुझसे वहाँ पे अपनी क्यूरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही हो, नहीं चाहते कि कमेंट्स में मुझसे पूछा, वहाँ जाके मुझसे इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर हर चीज़ का जवाब दूंगा और आपकी जो क्यूरीज है उनको हल कर लूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और अब इस तरह बेल आइकन को आपने जब प्रेस कर लेना है तो आपके जो वीडियोस की जो मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी, तो और आप लोग उस चीज़ को पहले देख सकेंगे। तो अब मैं चलता हूँ,
अगली वीडियो में मिलता हूँ, ताकि आप लोगों का जो और आप लोगों के जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरह आप लोगों ने करनी है। तो अब अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।